तख्ता पलट की बात नहीं है, बात तो मैंने बोला कि ऑलरेडी नीतीश बाबू तख्ता पलट कर चुके हैं, ऑलरेडी ये अपना तख्ता पलट तो हो चुका है ना बिहार में। लेकिन आप जरा समझिए ना कि भाई 243 सीट है यहाँ, आपके पास सिर्फ 43 MLA है और आप मुख्यमंत्री हैं। आपको पॉलिटिकल करेज, मोरल करेज कब था? जब NDA के आप नेता के रूप में मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे और मुख्यमंत्री बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की लालच में और प्रधानमंत्री बनने की चाहत में अपने उसूलों को भी भुला बैठे, ये सारी बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह की है। दरअसल RCP सिंह जहानाबाद पहुंचे और वहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमलावर होते हैं, महागठबंधन सरकार पर हमलावर होते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति में सिर्फ एक ही वसूल थी कि वो उनकी राजनीति सिर्फ एंटी कांग्रेस और एंटी राजद थी। लोहिया के रास्ते पर चलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपना रास्ता खो बैठे हैं, अपनी पूरी वसूल को वो मिटा चुके हैं और प्रधानमंत्री बनने की चाहत में राजद और कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ चुके हैं, कांग्रेस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। तो देखिए सारी बातें RCP सिंह की कहनी, RCP सिंह जहानाबाद पहुंचते हैं और वहां जब मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हैं तब उनसे सवाल पूछा जाता है, तो बिहार सरकार पर तो हमलावर होते हैं, बिहार के पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने सवाल उठाया, शराबबंदी कानून पर उन्होंने सवाल उठाया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उसूलों पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की चाहत में अपने उसूलों को भुला बैठे हैं और कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं RCP सिंह, किस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं, आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बंदी को? तो पक्ष में हम सब लोग, पूरे बिहार के लोग और हम लोगों ने समूचा लोग जो है मानव श्रृंखला बनाई, ये विश्वास था, भरोसा था कि नीतीश बाबू को लागू कर पाए, लेकिन पूरी तरह से विफल हो गया ना। तो एक चीज देखिए, कोई भी प्रशासक हो, कोई भी नेता हो, उसको जमीन से टच में रहना, जब कोई चीज असफल हो गया है। ये जो बजट सत्र चल रहा है बिहार का, लगता है कि तख्ता पलट होगा? देखिए तख्ता पलट की बात नहीं है, बात तो मैंने बोला कि ऑलरेडी नीतीश बाबू तख्ता पलट कर चुके हैं, ऑलरेडी ये अपना तख्ता पलट तो हो चुका है ना बिहार में। लेकिन आप जरा समझिए ना कि भाई 243 सीट है यहाँ, आपके पास सिर्फ 43 MLA है और आप मुख्यमंत्री हैं। आपको पॉलिटिकल करेज, मोरल करेज कब था? जब NDA के आप नेता के रूप में मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे और मुख्यमंत्री बने। अब तो आप महागठबंधन के तो थे नहीं, तो जी जो कहते हैं ना, जो सैंक्शन होता है, जो मोरल सैंक्शन, पॉलिटिकल सैंक्शन, वो है ही नहीं। तो स्वाभाविक है जब नहीं रहेगा जी, तो आप में जितना प्रभावी कार्यक्रम करने का आपस में आप अंदर में ताकत होनी चाहिए, उसकी कमी नहीं रहेगी। बहुत स्वाभाविक है भाई, उनकी संख्या 78-79 है, इनकी संख्या 43 है, दो जुड़ गए हैं बाद में। लेकिन आप जरा समझिए ना कि आखिर राजद के लोगों ने 2020 में किसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था? नीतीश बाबू को दिया था, वो तो दिया था तेजस्वी के लिए, तो वो तो चाहेंगे ही और मांगेंगे ही भाई जल्दी से बने। और नीतीश बाबू को क्या ऑफर किया था? यही ना कि आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाएगा, पूरे देश में घूमिए, यहाँ तेजस्वी जी को सत्ता दे दीजिए, तो तय तो करना ही दोनों को। लेकिन इतना तो जान लीजिए कि इसका कुप्रभाव पूरा बिहार झेल रहा है। आज कांग्रेस से गिड़गिड़ा रहे थे कि हमको घोषित कीजिए, फैसला लीजिए। आप जरा सोचिए, आज देखिए जो आपने कहा ना कि नीतीश बाबू की स्थिति कितनी दयनीय हो गई, नीतीश बाबू की पूरी राजनीति दो ही चीज़ से जानी जाती है, एक एंटी राजद और एक एंटी कांग्रेस। क्योंकि लोहिया जी के ये लोग सब अनुयायी है ना, तो गैर कांग्रेसवाद का नारा देने वाले लोहिया जी थे और अब कांग्रेस के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं साहब, तो लोहिया जी की आत्मा को क्या लग रहा हो? ये वही नीतीश कुमार हैं जो गैर कांग्रेसवाद के बड़े नेता थे। सर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी लोकसभा चुनाव में? आप BJP में जाएंगे, पार्टी बनाएंगे? अरे तो 10 बार हम बोल चुके हैं यार, हमारी स्ट्रेटजी बहुत स्पष्ट है, इन लोगों के साथ तो नहीं रहेंगे, तो हम कर चुके हैं, तो नया दल बनाएंगे। अभी तो आप देखते रहिए ना आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी।